हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है शुक्ला। हम आपका वेलकम करते हैं हमारे पहले वीडियो व्लॉग में, और इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे मोफानलूर। मोफानलूर मेघालय का एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो चलिए चलते हैं। तो पूरी हो चुकी है हमारी पैकिंग और सारा सामान जा रहा है गाड़ी में, और हमारी गाड़ी जा रही है हाईवे पे। अभी हाईवे से होते हुए हम पहुंच चुके हैं खानापारा, और ये सामने जो आपको डिवाइडर दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से ये ट्रक्स वगैरह आ रही हैं, वो वाला इलाका है मेघालय का। और डिवाइडर के लेफ्ट साइड से जहाँ से हम जा रहे हैं वो इलाका है आसाम का। तो ये डिवाइडर बेसिकली आसाम और मेघालय के बीच में एक बॉर्डर जैसा काम कर रहा है। मेघालय में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल आसाम के मुकाबले 3 से 4 रुपये सस्ता होता है। खानापारा से आप अपने लिए टैक्सीज वगैरह ले सकते हैं, शेयर टैक्सीज वगैरह, आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2000 से 2500 के बीच आपको वो मिल जाएंगे अगर आप रिजर्व करते हो, और अगर शेयर टैक्सी में जाते हो तो 400 से 500 रुपया आपको पर हेड आएगा। पहुंच चुके हैं खानापारा के गणेश मंदिर, यहाँ पर हम बाबा को प्रणाम करेंगे, बाबा की ब्लेसिंग्स लेंगे ताकि हमारी आगे की जर्नी सेफ एंड साउंड हो। और यहाँ से फिर हम वापस निकल चुके हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं जोराबाट। जोराबाट पॉइंट से आपको इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेना है शिलोंग जाने के लिए। अभी हम मेघालय में एंटर कर चुके हैं, और अभी यहाँ से आपको सड़कें काफ़ी साफ सुथरी दिखेंगी। यहाँ पे हवा में धूल बहुत ही कम है और सीनिक ब्यूटीज़ यहाँ से शुरू हो जाती हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद आपको टोल गेट मिलेगा। टोल गेट क्रॉस करते ही आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ्स, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और ई परमिट वगैरह चेक करवानी होंगी। ई परमिट के लिए आपको डाउनलोड करना होगा मेघालय टूरिज्म ऐप, वहां से आप अपनी ई परमिट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करवाने के बाद ये आपको एक स्लिप काट करके देंगे दैट यू नीड टू कीप विथ योर सेल्फ, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करें। यहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे ढाबे मिल जाएंगे, वहाँ रुक कर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो बड़े इत्मीनान से, और जर्नी का मजा ले सकते हो। जैसे कि अभी हम ले रहे हैं अपनी जर्नी का आनंद। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फन्स थ्रिल पार्क, यहां गो कार्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस पार्क को क्रॉस करके थोड़ा आगे जाते ही हमें ये फ्लाईओवर मिलता है जिसके नीचे से हम लेते हैं राइट टर्न टू गो टुवर्ड्स शिलोंग। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं उमियम लेक, जो ज़्यादा फेमस है बोरा पानी के नाम से। वहां से थोड़ा आगे आते ही आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा ऑर्किड लेक रिजॉर्ट और नेहरू पार्क में जाने का एंट्रेंस। और ये है बोरा पानी का एक एरियल व्यू, जस्ट हैव अ लुक एट दिस मेसमराइजिंग व्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऑर्किड लेक रिजॉर्ट और नेहरू पार्क में आने का एंट्रेंस दिखाया था, और ये है नेहरू पार्क का पिछला हिस्सा जो आकर बोरा पानी लेक के साथ मिल रहा है, और इसके पास ही है ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। ऑर्किड लेक रिजॉर्ट में बोटिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये है गोरखा दुर्गा मंदिर। अभी हम शिलोंग शहर के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। यहां से लेफ्ट टर्न लेकर आप शिलोंग सिटी में एंटर कर जाएंगे, और हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। इस सड़क से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स चेरापुंजी, टाउकी और मोशिनराम। और ये है महादेव खोला टेम्पल। ये भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही जागृत मंदिर है।
और ये इस जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगह को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी यहां से आगे जाकर ये सड़क दो हिस्सों में बट जाएगी। यहां से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो आप चिरापुंजी और डाउकी की तरफ निकल जाओगे और राइट टर्न लेकर यू विल गो टुवर्ड्स मोसिनराम एंड नोंगस्टोई। एकदम राइट हैंड साइड पे है एलिफेंट फॉल्स। नोंगस्टोइंस का सीधा रास्ता पकड़कर हम लोग करीब 2 से 3 किलोमीटर की जर्नी करके पहुंच गए हैं तूरा रोड। ये रोड खासी हिल्स को और गारो हिल्स को आपस में जोड़ता है। इस रास्ते पर करीब 35 से 40 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग पहुंच जाएंगे मरकसा। जैसे ही मरकसा का ये बोर्ड आपको दिखे तो आपको जान लेना है कि यू हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू मोफानलूर। इस बोर्ड को क्रॉस करके जरा सा ही आगे जाने पर आपको एक शार्प राइट टर्न लेना है और 5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है इस सुनसान से और पतली सी सड़क से, और आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे जहां पे आपको डायरेक्शंस के लिए कुछ बोर्ड्स दिखेंगे। और हम डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आगे निकल चले और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन मोफानलूर में। एंट्रेंस से घुसते ही आपको अपने सामने झीलों का ये शानदार नजारा देखने को मिलेगा। हमने फटाफट अपना लगेज निकाला और चल पड़े अपने कॉटेज की तरफ झीलों के बीचों बीच से होते हुए। और ये रहा हमारा प्यारा सा कॉटेज। यहां पहुंचते ही एक प्यारे से दोस्त ने हमारा वेलकम किया। हमारा कॉटेज इन झीलों के बिल्कुल बीच में था। इन कॉटेजेस में 2 रूम्स अवेलेबल हैं जहां पर 2 फैमिलीज रुक सकती हैं। यहां पहुंचकर हम फ्रेशन अप हुए और हमने किया अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम निकल पड़े एक छोटी सी वॉक पे यहां के खूबसूरत नजारों का मजा लेने के लिए। पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद हम शाम को बैठकर रिलैक्स करते रहे और एंजॉय करते रहे इस पीसफुल सनसेट को। सूरज डूबने के बाद हम लोग लौट चले हमारे आज के आशियाने की तरफ। अगली सुबह जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे सामने का नजारा कुछ ऐसा था। अपने बचपन को थोड़ी देर दोबारा जीने के बाद हम लोग तैयार हुए और मोफानलूर को बाय बाय बोलकर निकल पड़े अपने घर की तरफ। इट वॉज अ पीसफुल एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम द क्राउड। होपफुली जब आप अपनी जर्नी प्लान करें तो ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।